This is Tom from Protein Anda. Thank you for subscribing my channel and thanks for your love and support. So guys, आज हम back का workout करेंगे और इसमें हम पांच exercise करेंगे आज. First one करेंगे V grip leg pull down. Second one करेंगे V grip sit drop. Third करेंगे हम wide grip leg pull down. Fourth करेंगे हम deadlift and the last one is hyper extension. और अब हम सारी muscles को hit करेंगे आज back workout में. तीन मसल्स पे हिट करेंगे, अपर लैट, लोअर लैट एंड मिड बैक. सो गाइस चलते हैं अपने वर्कआउट सेशन की तरफ. सो गाइस सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप और मैं करूँगा वार्म अप में पुलअप्स और चार सेट लूँगा और 12 से 15 रेप लूँगा. गाइस वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है मेन एक्सरसाइज से पहले बिकॉज वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और जब हम मेन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई इंजरी नहीं होगी. सो गाइस करते हैं अपना वार्म अप. सो फ्रेंड्स फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वी ग्रिप लेट पुल डाउन से और इसमें हम चार सेट लेंगे, 8 to 15 रैप्स लेंगे पर सेट और लास्ट सेट जो होगा वो हमारा सबसे हैवी होगा और हर सेट में हमें वेट को इंक्रीज करना है और ये एक्सरसाइज हमारे लैट को इंक्रीज करेगी, हमारे लैट को ट्रेन करेगी और इसमें हमें एक पॉइंट मेन जो ध्यान रखना है, जब हम बार को अप करेंगे तो हमें बिल्कुल स्लोली ऊपर ले जाना है, जब नीचे लाएंगे तो हमारी बैक बिल्कुल स्क्वीज होनी चाहिए और बार हमारी बिल्कुल चेस्ट पे आनी चाहिए. सो गाइस लेट्स गो फॉर ए सेट. सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वी ग्रिप सिटी ड्रॉ से और इसमें भी हम चार सेट लेंगे, 8 to 15 रैप्स पर सेट और फर्स्ट सेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी मिड बैक मसल को ग्रोथ करेगा और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमें बार को आगे लेके जाना है तो हमें बैक को आगे ज़्यादा बेंड नहीं करना, वो हमारी डिस्क पे इफेक्ट करेगा और ये हमारी मसल्स स्पाइन के पास जो मसल्स होती है उसको ग्रोथ करेगा. सो गाइस करते हैं अपने सेट को कंप्लीट. सो दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन से और इसमें भी हम चार सेट लेंगे, 8 to 15 रैप्स पर सेट और गाइस ये हमारे अपर लैट्स और लोअर लैट्स पे इफेक्ट करेगी, अपर लैट्स और लोअर लैट्स की मसल्स को ग्रोथ करेगी और इसमें हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, हमें अपनी कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है और जब हम बार को अप करेंगे तो बिल्कुल स्लो मोशन में ऊपर लेके जाना है जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बैक पे स्ट्रेस है और ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स ग्रोथ हो बैक की. सो गाइस करते हैं अपने सेट को कंप्लीट. सो गाइस फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे डेडलिफ्ट और इसमें हम चार सेट लेंगे, 8 to 15 रैप्स पर सेट और मोस्टली जिम में मैंने ये देखा है कि ये कुछ अवॉइड करते हैं इस एक्सरसाइज को क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर तुम्हारा पोस्चर करेक्ट नहीं है. सो गाइस सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब हम बार को लिफ्ट करेंगे तो हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आर्च नहीं होनी चाहिए और जब हम बार को नीचे लेके जाएंगे तो हमारी वो शिन के साथ और नीज के साथ टच होते हुए ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल उनके क्लोज होनी चाहिए, अगर ज़्यादा दूर रखेंगे तो वो हमारी लोअर बैक
इंजरी कर देगा, और हमें वेट ग्लूट की हेल्प से उठाना है। और नेक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर ऊपर होगी तो वो हमारी नेक पे स्ट्रेस करेगा। सो गाइस करते हैं अपने सेट को कंप्लीट। सो गाइस फिफ्थ एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे हाइपर एक्सटेंशन, और इसमें हम चार सेट लेंगे, 8 to 15 रेप्स लेंगे पर सेट। और ये हमारी लोअर बैक की एक्सरसाइज है, और ये हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, और हमारे स्पाइन की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करती है, और ये हमारे कोर को भी इफेक्ट करती है, हमारे एब्स पोर्शन को भी स्ट्रेंथ देती है। और मैंने ये देखा है मोस्टली जिम में कुछ जने ये अवॉइड करते हैं, जिससे कि ये उससे हमारी लोअर बैक को वीकनेस होती है। तो गाइज ये हमें वीकली ट्रेन करनी चाहिए लोअर बैक एक्सरसाइज को, और इसमें हम वेट का यूज़ करेंगे। सो गाइज चलते हैं अपने सेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग माय चैनल प्रोटीन अड्डा, और आगे भी मैं आपके लिए फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो गाइस सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।